आप हैं श्रीमान नरेश अग्रवाल। हाँ जी, ये बरपाली के व्यापारी संघ के वाइस प्रेसिडेंट, मारवाड़ी धर्मशाला के प्रेसिडेंट और आलू प्याज के थोक विक्रेता हैं। हाँ जी, ये जो प्याज की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है, आज बरपाली में 40 रुपये किलो खुचरा में बिक रहा है, क्या कारण है? इसके लिए बेमौसम जो बारिश हो रहा है, बारिश में सब फसलें नष्ट हो गई, चाषी अपने सिर में हाथ दे के बैठा हुआ है, रो रहा है, फसल खराब होने के कारण उसी के लिए तेजी आया है। लेकिन कुछ महीने पहले तक प्याज की कीमत बहुत ही कम थी, 10-12 रुपये किलो मिल रहे थे, इसकी वजह? उस टाइम हम लोग होलसेल में 750 से 800 रुपये बेच रहे थे। जी जी, 750-800 रुपये बेचने से किसान के घर में बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा था, उसी के चलते वो लोग स्टॉक नहीं किए, स्टॉक नहीं करने से अभी पुराना माल ज़्यादा उनके पास है नहीं। अरे जी, हाँ जी, गुजरात में प्याज की कीमत अभी कम है, 25 रुपये किलो चल रहा है, मध्य प्रदेश में होलसेल में 22 रुपये किलो मिल रहा है, आपके झारखंड में 40 रुपये किलो है, हमारे उड़ीसा के भुवनेश्वर राजधानी में होलसेल 32 रुपये चल रहा है और यहाँ 30 रुपये, इतना डिफरेंस किस लिए? इस अपना मार्केट डिपेंड करता है नासिक के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर जी, मध्य प्रदेश के माल थोड़ा 19 आता है, वो माल अपना यहाँ टिकाऊ नहीं रहता, नहीं चलता जी, उनका माल उसी लिए सस्ता बिकता है। दूसरा मंडी गुजरात भी है प्याज के हिसाब से जी, लेकिन वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा पड़ने के चलते अपने वहाँ का माल नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो भुवनेश्वर में 32 रुपये और बरपाली में 30 रुपये होलसेल रेट से, नासिक से आते समय बरपाली नज़दीक पड़ता है, भुवनेश्वर दूर पड़ता है, वहाँ का किराया ज़्यादा है जी, इसलिए वहाँ ऊँचा रेट। अच्छा जी, अच्छा, आने वाले समय में और कीमत बढ़ने की उम्मीद रख रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है बढ़ने का, लेकिन अभी 2 दिन से काफ़ी बारिश है वहाँ जी, बारिश के बाद मालूम चलेगा फसल का क्या पोजीशन है जी, जी उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा जी, धन्यवाद।